नसों में दर्द हो रहा है, साइटिक का पेन हो गया है, नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूल रही हैं, चलते हुए उठते हुए बैठते हुए टांगों में दर्द हो रहा है या नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही असरदार दो होम रेमेडी बता रही हूँ और ये दोनों ही रेमेडी आपकी यह सारी ही परेशानियों को जड़ से समाप्त कर देगा। दोस्तों, नसें कमज़ोर हैं या नहीं ये कैसे पता करें? नसें हमारी पूरे ही शरीर में फैली होती हैं और यह छोटी छोटी कोशिकाओं का इस्तेमाल करती हैं एक जगह से दूसरे जगह तक ज़रूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए। इस दौरान अगर नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं या दब जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं तो कई सारी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि गुठिये का हो जाना, जोरों में दर्द रहने लग जाना, कमर में दर्द रहने लग जाना, पैर में सुन्नपन होना, डायबिटीज की समस्या हो जाना या सांस फूलने की समस्या हो जाना, सिर में दर्द रहने लगना, मांसपेशियों में अकड़न और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी देखी जाती है। दोस्तों, वक्त रहते ही अगर हम इसे इसका उपचार ना करें तो यह बहुत ही गंभीर रूप ले लेती हैं। इसीलिए आज जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ ये घरेलू नुस्खा 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और यह आपकी यह सारी ही परेशानियों को जड़ से समाप्त कर देगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ दर्द को भगाने का क्या उपाय करना है। दर्द को भगाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सरसों की खली। बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाती है या पानसारी के दुकान पे भी मिल जाएगी और यह बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। सरसों की खली बहुत फ़ायदेमंद होती हैं किसी प्रकार के भी दर्द को तुरंत दूर करने के लिए। इसके उपयोग कैसे करें तो आइए बताती हूँ। 100 ग्राम सरसों की खली ले लेना है और इसे एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दें और इसे तोड़ कर डाल दें। रात भर इसे भिगोकर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि सुबह यह खली बहुत अच्छे से फूलकर बहुत मुलायम बनकर तैयार हो जाती है। अब इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे तो एक तवा लेंगे, तवे पर हम तेल डालेंगे, 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए या नसों के दर्द को भी दूर करने के लिए। अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाता है तो ये खली को जो हमने भिगोया था डाल देना है और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेना है। अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसे एक कपड़े में डाल देंगे और इसकी पोटली तैयार कर लेंगे। यह पोटली आपको जहाँ भी दर्द है वहाँ पर इससे सिकाई करेंगे। चलने में परेशानी होती है, घुटने में दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो या टांग में दर्द हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो, कमर का दर्द हो, साइटिक का दर्द हो, इसे दबा दबा कर आपको सिकाई करनी है। इस प्रकार से दबा कर सिकाई करने से इसकी जो तेल है वह भी आपको बहुत अच्छे से लग जाती है और दर्द में क्षणिक भर में आराम देखने को मिलता है। खली के लेप को हम दोबारा से भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको फेंके नहीं, आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना तेल मिला दें, सरसों का या तिल का, और जहाँ भी दर्द है, घुटने पे दर्द है तो घुटने पे इसे लेप को अच्छे से लगाकर छोड़ दें और इसे सूखने दें। आप चाहें तो हल्का धूप लगा लें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके ऊपर एक कपड़े का पट्टी बांध दें और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दें। इसे आप देखेंगे कि यह दर्द को खींच लेता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है
वेरी गुड, वेन का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, घुटने के पीछे की नसें खींच रही हो, तो आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दूसरा उपचार बताती हूँ जिसे लेना बहुत आवश्यक है। यह उपचार लेने से आपके यह दर्द दोबारा नहीं आएंगे और दर्द को यह उपचार धीरे धीरे जड़ से समाप्त कर देगा। एक ग्लास गुनगुना दूध लेना है। दूसरी सामग्री हमें बादाम लेनी है। बादाम में बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं और यह मल्टीविटामिन का काम करता है। बादाम नसों के ब्लॉकेज को खोलता है, नसों में ताकत देता है, मांसपेशियों में मजबूती देता है। बादाम घुटने के दर्द को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। यह कार्टिलेज यानी ग्रीस को दोबारा बना देता है। हमने यहाँ पर 7 से 8 बादाम लेना है। दूसरी जो सामग्री हम लेंगे वह लेंगे बबूल का गोंद। बबूल का गोंद बहुत फायदेमंद होता है किसी प्रकार के भी दर्द को जड़ से समाप्त करने के लिए, चाहे वो जोरों का दर्द हो या नसों के ब्लॉकेज से दर्द हो रहा हो। बबूल का गोंद भी बहुत आसानी से किसी भी पानसारी की दुकान पर मिल जाता है। इसका उपयोग हमें किस प्रकार से करनी है आइए बताती हूँ। बबूल का गोंद हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है और इसे एक बर्तन में 1 चम्मच घी डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने पे यह हल्का पॉप हो जाता है और सफ़ेद रंग का हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। अब इसे हम अलग रख लेंगे। इसमें 3 सामग्री का हम इस्तेमाल करेंगे, तो तीसरी सामग्री है सूखा हुआ नारियल, जिसे हम गरी बोलते हैं। यह शरीर को ताकतवर बनाता है, मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है और जोरों के दर्द हो या नसों के ब्लॉकेज हो उसको खोलने का काम करता है। सूखा हुआ नारियल बहुत फायदेमंद है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हमने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी से सूखा हुआ नारियल कद्दूकस करके ले लेना है। अब यह तीनों ही सामग्री को हम इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे और एक डब्बे में रख लेंगे। इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, 1 ग्लास गुनगुने दूध में हम इसे 1 छोटे चम्मच से मिलाकर और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसका सेवन करेंगे। इसे कब लेना है, तो इसे आप रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद ले सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, नसों की ब्लॉकेज को दूर कर देगा, जड़ से समाप्त कर देगा और जो दर्द से आप परेशान हैं, घुटने के, पैर के, पिंडलियों के या कमर के या शरीर में अकड़न से परेशान हैं, सांस फूलने की समस्या है या सिर में दर्द रहता है, सारी परेशानियों को यह जड़ से समाप्त कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना हो, आपकी आयु लंबी हो और यह जो नुस्खा हमने बताया ये आपको पूरी तरह से काम करे, तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। जैसे सुबह खाली पेट चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी है। रात का खाना 7 बजे के पहले ही खा लेना है। रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना खाना है, जिससे इसकी पाचन अच्छे से होगी और यह शरीर में जाकर सड़न पैदा नहीं करेगा। आज की जानकारी इतनी तक ही थी। जो भी नुस्खे हमने बताए हैं उसे कम से कम 15 दिन इस्तेमाल अवश्य करें। इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपकी जो दर्द की परेशानी है, नसों में ब्लॉकेज हैं, जोरों में दर्द है, कमजोरी है, थकावट है, सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना ना जाएं और इसे शेयर करना ना भूलें।